और देखिए, देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कोविड के 529 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी कोविड 19 के नए वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आ चुका है, जिससे अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। और इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि RT-PCR टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, रोजाना 250 से 400 तक टेस्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने RT-PCR टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ रोज़ हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं वो 4 से 5 हैं, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। और मैंने अभी भी दोबारा अपने हेल्थ सेक्रेटरी को नोट भेजा है कि रोज़ की जो ये गिनती है वो दें और जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी जो है वो रोज मुझे भेजें। तो सरकार अलर्ट पर है, देश में कोरोना के 4903 एक्टिव मरीज हैं और 24 घंटे में 529 केस सामने आए हैं। तेजी से रफ्तार ये बढ़ रही है, केरल में सबसे ज्यादा 353, कर्नाटक में 74 और महाराष्ट्र में 37 संक्रमित मरीज मिले हैं। और जहां तक नए वेरिएंट का सवाल है तो इसके 109 मरीज इस वक्त देश में मिल चुके हैं। दिल्ली में मामला सामने आ गया है, इनमें 36 गुजरात से हैं, 34 कर्नाटक से हैं, 14 गोवा में हैं, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी नया वेरिएंट मिला है और नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली NCR में कोहरे की वजह से कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है, ये बड़ी खबर। और दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है, यूपी के कई स्कूलों में छुट्टी के आदेश हैं, कोहरे से हवाई और ट्रेन सेवा पर भी असर दिखाई दे रहा है और आज भी काफी ठंड है। देखिए, कल कोहरे की घनी चादर दिल्ली NCR में पहली बार इतनी ज्यादा देखने को मिली और यूपी के कई स्कूलों में छुट्टी के आदेश भी दिए जा चुके हैं। कोहरे की वजह से अब हवाई और ट्रेन सेवा पर भी असर दिखाई दे रहा है। और देखिए, अलग अलग जगहों की दिल्ली NCR की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है, विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली की बात कर लीजिए, नोएडा, गाजियाबाद, तमाम इन जगहों पर एक एक जो तस्वीर आप देखेंगे हर जगह आपको विजिबिलिटी बेहद कम दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं सड़कों पर, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। अगर हवाई सफर की बात की जाए और ट्रेन की बात की जाए तो इन दोनों ही यातायात सेवाओं पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में ठंड का कहर जारी है, खासकर अगर सुबह और शाम की बात करें तो लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, काफी ज्यादा ठंड जो पड़ रही है, तापमान काफी नीचे तक रह रहा है और ठंड से बचने के लिए लोग किस तरह के उपाय कर रहे हैं, हम फिलहाल नोएडा में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग जो रैन बसेरे के ठीक सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं और अलाव सेक रहे हैं, इसके अलावा कुछ जानवर भी हैं वो भी ठंड से बचने के लिए इस अलाव का सहारा ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ठंड बीते एक दो दिनों में लगातार बढ़ी है, उसके बाद तापमान में भी गिरावट हुई है, उसके बाद इस तरह के जो अलाव का सहारा जो है वो लोगों को ठंड से बचने के लिए लेना पड़ रहा है। लोग जो बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। जी बताइए चाचा, ठंड बीते एक दो दिन से बढ़ गई है, यही एक दो दिन से सहारा जो उन्हें मतलब ठंड बढ़ रही है सर, और इससे जो है अलाव की वजह से जो उन्हें बहुत हम लोगों को राहत है। हाँ, और बढ़िया मतलब अब सुविधा भी जो है दिए हैं, कम्बल उम्बल की जो है अब रैन बसेरा बना दिया है, रैन बसेरा की वजह से हमें काफी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक हादसा, गुना में आरोन जा रही बस और डंपर की टक्कर, हादसे में 12 लोगों की मौत, 10 लोग झुलसे। गुना में आरोन के दुहाई मंदिर के पास हादसा हुआ, हादसे के समय बस में सवार थे 15 से 20 यात्री, दुहाई के पास पहुंचते ही डंपर से टकरा गई बस। हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में मची चीख पुकार, कुछ सवारियों ने बस से बाहर निकलकर बचाई जान, बस में आग लगकर जलाने से जिंदा जल गए 12 मुसाफिर। डंपर से टकराने के बाद पलट गई बस, बस के पलटते ही उसमें आग लगी, कुछ ही देर में आग की लपटों से गिर गई बस, कुछ यात्रियों ने खिड़की से निकलकर अपनी जान बचाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर जताया है दुख, सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, यात्रियों के हताहत होने का समाचार
अत्यंत दुखद है। प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए। सीएम मोहन यादव ने पोस्ट में लिखा, घायलों के इलाज के लिए की गई समुचित व्यवस्था, भविष्य में इस तरह के हादसे रोकने का प्रयास होगा। मुंबई में मलाड इलाके में शॉपिंग सेंटर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इमारत से 4 महिलाओं समेत 11 लोगों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा का सिलेंडर की वजह से घर में लगी आग, घर के अंदर बड़ी संख्या में रखे हुए थे सिलेंडर, आग लगने की वजह से कई सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के समय आ रहा कोहरा, कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी, हवाई सेवा पर भी पड़ रहा असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी पड़ रहा है असर, अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है ट्रेनें, ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में छाया कोहरा, घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित, तो शीतलहर की वजह से ठंड में ठिठुरन को मजबूर हुए लोग। गाजियाबाद में सुबह और शाम के वक्त आ रहा कोहरा, शहर के ज्यादातर इलाकों में छाई घने कोहरे की चादर, धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों के भीतर काफी गिरा पारा, ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से देश के कई हिस्सों में नजर आ रहा कोहरा, पंजाब हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में नजर आ रही कोहरे की चादर, सैटेलाइट इमेज में दिख रहा सफेद धब्बा। घने कोहरे की वजह से गाजियाबाद में शिक्षा विभाग का फैसला, स्कूलों के समय में बदलाव, कक्षा 1 से 8 तक कक्षा के सभी स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कम उम्मीद, राजस्थान यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड। पंजाब के कई हिस्सों में आ रहा घना कोहरा, भटिंडा में छाई घने कोहरे की चादर, धुंध की वजह से यातायात पर भी असर। कानपुर शहर में भी आ रहा घना कोहरा, सुबह और शाम के वक्त आ रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी घटकर हुई बहुत कम। यूपी के सीतापुर में छाई धुंध, पिछले कुछ रोज से शहर में छाई कोहरे की चादर, दिल्ली लखनऊ हाईवे, रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्गों पर धुंध का असर। घने कोहरे की चपेट में नोएडा, पिछले 2 दिन से लगातार आ रहा कोहरा, शहर के ज्यादातर हिस्सों में छाई धुंध की चादर। घने कोहरे की चपेट में अलीगढ़ शहर, सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा कोहरा, शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर भी विजिबिलिटी बहुत कम। घने कोहरे ने वाराणसी शहर को भी अपने चपेट में लिया, शहर के अंदर भी छाई घने की कोहरे की चादर, कोहरे की वजह से वाहन चलाने में हो रही दिक्कतें। देश में रुक नहीं रहा कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ, बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 529 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, कोविड संक्रमित 4093 मरीजों का किया गया इलाज। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई, कर्नाटक में 2 लोगों की जान गई, गुजरात में 1 मरीज की जान गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली एम्स प्रबंधन भी हरकत में आया, दिल्ली एम्स की नई गाइडलाइन, स्क्रीनिंग के साथ कोविड मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरकत में आई है दिल्ली सरकार, मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में शुरू की गई है आरटीपीसीआर टेस्टिंग, हर रोज 250 से 400 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। राजस्थान में कोरोना के सब वेरिएंट JN1 की दस्तक से अड़कम, 4 मरीजों में हुई JN1 की पुष्टि, जयपुर में कोरोना के 14 मरीज मिले, लैब में भेजे गए 278 सैंपल्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, जयशंकर बोले, दुनिया में सिर्फ भारत रूस के रिश्ते ही स्थिर, बाकी देशों के संबंधों में आया उतार चढ़ाव। रूस दौरे के दौरान बोले जयशंकर, कहा, हम मिलिट्री, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में सिर्फ उसी देश के साथ करते हैं साझेदारी जिस पर होता है पूरा भरोसा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात, पुतिन को एस जयशंकर ने सौंपी प्रधानमंत्री मोदी की लिखी हुई चिट्ठी। लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को टिकट देगी बीजेपी, बड़े चेहरों को टिकट देकर पक्की जीत करने की तैयारी, 15 से 20 राज्यसभा सांसदों और कई लोकसभा सांसदों को मिल सकता है टिकट। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए बसन गौड़ा पाटिल ने अपनी ही पार्टी पर लगाए करप्शन के गंभीर आरोप,
येदियुरप्पा सरकार पर पाटिल ने 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए के आरोप के बाद बोले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कहा पिछली सरकार में कोविड के दौरान हुई 40% कमीशनखोरी, जांच कमीशन। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर यूएपीए के तहत लगाया बैन, देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी समूहों का समर्थन करने के आरोप में केंद्र सरकार ने लिया एक्शन। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी में सेना के जवानों से मुलाकात की, जवानों का बढ़ाया हौसला, कहा हमारा उद्देश्य आतंकवाद का सफाया करना। पुंछ में हिरासत में मारे गए 3 नागरिकों के परिवारों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, घायल नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का केंद्र सरकार पर आरोप, 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने परेड में पंजाब की झांकी को इजाजत नहीं दी, परेड में बीजेपी शासित प्रदेशों को ज्यादा तरजीह। पंजाब की झांकी परेड में ना शामिल किए जाने पर राजनीति शुरू, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह का बयान, पंजाब के शहीदों का अपमान, विपक्षी राज्यों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। राजस्थान के सीएम भजन लाल का बड़ा ऐलान, 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर, सरकार वहन करेगी सब्सिडी की राशि। चंडीगढ़ में सोयल के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज अहम बैठक, हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर नीतीश और लालू यादव, फिल्मी गाना गाकर कसा तंज, गिरिराज बोले नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए हो चुके हैं बंद। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, गृहमंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा, पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। नागपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी महासचिवों और सभी प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। उत्तराखंड बीजेपी आज से 2 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव पर मंथन करेगी, उधम सिंह नगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होगी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। दिल्ली में हुई बैठक पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुई बैठक में चर्चा, जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी की जाएगी योजना। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, लोकसभा चुनाव में हर स्तर पर मेहनत करेंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाएंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार, पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की होगी बैठक। नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे को नकारा, कहा इस्तीफे की खबर झूठी, बीजेपी ऐसी खबरों को तूल दे रही है। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चुनावी लॉलीपॉप, बिहार में पुलिस सुरक्षित नहीं, आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। सीएम नीतीश से उनके आवास पर मिलने पहुंचे पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन, नीतीश से मिलने के बाद आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो गुंडे माफियाओं के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, बिहार से गुंडाराज करेंगे खत्म। 139वें स्थापना दिवस पर आज नागपुर में कांग्रेस की है तैयार हम महारैली, लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस। भारतीय ओलंपिक संघ में भूपेंद्र सिंह बाजवा की अध्यक्षता में WFI की 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाई गई, MM सोमैया, मंजूषा कंवर तमाम सदस्य रहे। आर्म्स डीलर संजय भंडारी केस से जुड़ी जांच में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को भेज सकती है समन। भारत न्याय यात्रा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा देश के गरीब किसानों और अन्य मतदाताओं के मुद्दे को उठाने के लिए निकाली जा रही है यात्रा। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा से जुड़ेंगे फारूक अब्दुल्ला, कहा राहुल गांधी को यात्रा के लिए बधाई, नफरत मिटाने के लिए राहुल गांधी निकाल रहे यात्रा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की यात्रा पर कसा तंज, कहा पहले की यात्रा से नहीं निकला हल, इस यात्रा से भी कुछ नहीं मिलेगा, यात्रा मनोरंजन के लिए ठीक। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवाले, कहा लोगों पर अन्याय करने के लिए राहुल निकाल रहे हैं यात्रा, यात्रा सफल नहीं होगी, राहुल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज ने राहुल गांधी की यात्रा पर कसा तंज, कहा पहले यात्रा निकाली तो दक्षिण से उत्तर कांग्रेस साफ हुई, अब पूर्व से पश्चिम कांग्रेस होगी साफ। मुंबई में बीजेपी विधायक नितेश राणे की राहुल की भारत न्याय यात्रा पर बयान, कहा एक दिन राहुल गांधी यात्रा करते हुए भारत से इटली चले जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल की यात्रा पर कसा तंज, कहा भारत छोड़ो यात्रा से कांग्रेस सारे राज्य में हार गई, अब न्याय यात्रा पर कौन सा तीर मार लेंगे राहुल। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का राहुल की यात्रा पर बयान, कहा राहुल गांधी कितने भी यात्राएं कर ले जनता उन्हें न्याय नहीं देगी, उनके साथ हमेशा अन्याय होगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा पीएम मोदी की विकास यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में नाकाम होगी कांग्रेस। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, रामलला के दर्शन कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कामों का करेंगे निरीक्षण। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन, सीएम योगी ने 2 दिन पहले जताई थी नाम बदलने की इच्छा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर आचार्य सत्येंद्र दास की प्रतिक्रिया, कहा अयोध्या धाम जंक्शन करना मुख्यमंत्री योगी का अच्छा कदम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, स्टेशन का नाम अयोध्या धाम करने के फैसले का किया स्वागत, कहा पीएम मोदी के निर्देश पर रेल मंत्रालय ने लिया फैसला। बिहार के राज्यपाल ने लोगों से लगवाए श्री राम के जयकारे, लोगों से की 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने की अपील, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जहानाबाद पहुंचे थे राज्यपाल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शरद पवार का बयान, कहा समारोह के लिए नहीं मिला निमंत्रण, राम मंदिर के नाम पर सत्ता पक्ष पर राजनीति का उन्होंने आरोप लगाया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर चल रही सियासी जुबानी जंग पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा कार्यक्रम का निमंत्रण मांगने वाले रामद्रोही, जो राम से बैर करेगा उसकी खैर नहीं। सैम पित्रोदा के हिंदू वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकार चुकी, पीएम मोदी की जगह राहुल गांधी को दे सलाह। सैम पित्रोदा के मंदिर और धर्म वाले बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया, ये लोग देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटते हैं। मुंबई में बीजेपी नेता नितेश राणा ने सैम पित्रोदा के बयान का पर पलटवार किया, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र, यहाँ 90% हिंदू रहते हैं, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने भगवान राम का अस्तित्व नकारा है, ये लोग राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते थे। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कैफे पर कार्रवाई, कैफे की आड़ में चल रही थी संदिग्ध गतिविधियां, लड़के लड़कियों को अयाशी के लिए उपलब्ध कराए जाते थे कैफे। उत्तराखंड के रुड़की में पार्षद के भाई की हत्या, घर में घुसे बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, हत्यारों की तलाश के लिए टीम ने गठित की गई। सहारनपुर के देवबंद में हिरासत में मदरसे में पढ़ने वाला छात्र, पुलवामा में दूसरा हमला करने को लेकर किया सोशल मीडिया पर पोस्ट, छात्र से पूछताछ कर रही खुफिया एजेंसियां। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की मांग, हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें की। न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक, शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से लगा जाम, ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने शुरू की चार धाम की शीतकालीन यात्रा, बड़कोट पहुंचने पर शंकराचार्य का फूल मालाओं से स्वागत, शंकराचार्य बोले 12 महीने चार धाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं श्रद्धालु।